सिर्फ एक जेके सॉरी एलटीटीएस था जो बाय साइड पर था वो अच्छा कर रहा है, वो गावस्कर की पिक थी। चलिए अब एक काम करते हैं। हाँ अच्छा मूव है यहाँ पर एलटीटीएस में। आज की क्विक सिंगल्स की तैयारी करते हैं। गावस्कर गुड मॉर्निंग। गावस्कर पहले तो एलटीटीएस पे एक रिव्यू हो जाए, क्योंकि फ्लैट खुला और अब डे हाई पर, इनफैक्ट नेगेटिव खुला और अब डे हाई पर। यहाँ पर क्या अपडेट रहेगा और इस समय का क्विक सिंगल? बिल्कुल जी, एलटीटीएस अब भी बाय मोड पर है। लास्ट के 1-2 घंटा अच्छा था, मुझे लगता है अभी भी अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड 5,000 का है तो इट्स अ गुड बाय। अब भी स्टॉक जो मुझे पसंद है वो आज है, वो है छुपने की जगह कोलगेट। ट्रेड कर रहा है 3138, स्टॉप लगाना चाहिए 3100 का, 38 रुपीज। टारगेट 3200 पॉसिबल है, छुपने की जगह है आज ओके कोलगेट कोलगेट छुपने की जगह। रचना जी आपने क्या पिक किया? जी। मेरी तरफ से जो रहेगा वो अगेन शॉर्ट साइड पे रहेगा, एंड दैट इज एलएनटी। एलएनटी में 3590 पे प्राइस है फ्यूचर्स का। अगर हम इसको शॉर्ट करते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 3620, तो हम डाउनसाइड पे इसका टारगेट देख सकते हैं 3570 एंड 3560। ओके एलएनटी शॉर्ट है, कोलगेट बाय है। आशीष पहती जी आपका ट्रेड? विनिंग जी, आई थिंक अल्ट्राटेक सीमेंट में एक अच्छा सेटअप बन रहा है, जिस हिसाब से स्ट्रेंथ दिख रही है इसमें। एक जो फ्राइडे की गिरावट थी उसके बाद अब अच्छा एक मोमेंटम बन रहा है, स्टॉक 20 DMA को अप्रोच कर रहा है। मुझे लग रहा है एक अच्छा सपोर्ट जोन से स्टॉक बाउंस कर रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, आज का डे लो 11,200 के करीब का कैसे मेंटेन करते हैं। मुझे लगता है इसमें वापस 12,000 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। सचिरन उत्तिकर जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से रिवर्सल नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है डीएलएफ में एक अच्छा सपोर्ट बनाया है लगभग अराउंड 810 के आसपास, एंड वहीं से एक मूव अनफोल्ड हो रही है ऑन द पुल बैक साइड। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। एक अच्छा बेस नजर आ रहा है 810 के आसपास का, तो स्टॉप लॉस आप 815 पे लगाए एंड खरीदारी कीजिए डीएलएफ के फ्यूचर्स में 840 के लक्ष्य के लिए। ओके डीएलएफ ये हो गई सचिन के पिक का। चलिए अब चंदन के पास चलते हैं। चंदन गुड मॉर्निंग आपके पिक? जी अनुज जी, देखिए मेरा फोकस रहेगा जोमेटो पे। काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। 3 दिन के कंसोलिडेटिव मूव के बाद में सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट है, और वीकली चार्ट में किसी भी वीक का लो नहीं तोड़ रहा है, हायर लोज के सीक्वेंस बन रहा है। तो मेरे हिसाब से 212 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 232 तक के टारगेट के लिए। ओके तो जोमेटो ये हो गई पिक इस समय चंदन की। मार्केट थोड़ा रिकवर कर रहा है इस समय लोएस्ट पॉइंट से, आपकी स्क्रीन पर आएगा। और कुछ हद तक उसका कारण टीसीएस जो ग्रीन में आया, रिलायंस ने भी अपने लॉसेस थोड़े से कम करे, तो उसकी वजह से वहाँ पर भी थोड़ा सा एक इम्पैक्ट है। तो कुल मिलाकर ये समय दो स्टॉक्स रिलायंस और टीसीएस की मैंने पहले बात की थी, वो भी आएगा स्क्रीन पर। चलिए अब मानस के पास चलते हैं। मानस क्या रहेगी आपकी पिक? तो देखिए, मदरसन पे बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड इंटरडे चार्ट पे दिख रहा है। आई थिंक इसके फ्यूचर में, मदरसन के फ्यूचर में बिकवाली करिए। स्टॉप लॉस 192.50, 192.50 रुपए के स्टॉप लॉस लगाएंगे और 184 के टारगेट सेट करेंगे मदरसन के फ्यूचर में। 190 का पुट ऑप्शन जो 3.90 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 2.5 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 7 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। चलिए तो माना जी का ट्रेड भी पूरा हो गया, राजेश सतपुत्र जी का ट्रेड पेंडिंग है अभी। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, थोड़ा ट्रिकी है मार्केट, लेकिन मुझे लगता है कि एफएमसीजी थोड़ा डिफेंसिव प्ले करूंगा। मैं नेस्ले के साथ जाऊंगा। नेस्ले का स्ट्रक्चर अच्छा है, 2600 के ऊपर का ये बाय बनेगा। स्टॉप लॉस होगा 2565 का। सामने इंट्राडे का पहला रेजिस्टेंस आएगा 2660, अगर वो निकल जाए तो 2700 तक की जगह मिलेगी। सो नेस्ले थोड़ा डिफेंसिव प्ले रहेगा आज के लिए। ओके नेस्ले पे